हमारा मुसलमान किसी को और नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ MIM को, MIM OIC को। जी जी OIC को। अपने को तो योगी साहब पे भरोसा है, योगी साहब पे भरोसा है बिल्कुल एकदम। अखिलेश वोट मांग रहे हैं मुसलमान का, कल यही अखिलेश मुसलमान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर दंगा हुआ तो उन्हीं की सरकार में, 2012 में जब उनकी सरकार बनी, एक ही साल बाद मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर मुकेश यादव के साथ, और अभी इस समय मौजूद हैं हम सरायमीर में, जो एक तरह से कहें तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, अब की बार क्या मूड बन रहा है यहाँ की जनता का 2022 में, लोग इस सरकार से खुश है या नहीं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर से योगी जी। जी भाई साहब बताइए, हैं अब तक तो बड़ा ध्यान से देखा था, आप कहाँ ना बोला था, वो बताइए 2022 में किसकी सरकार? आदित्यनाथ योगी की सरकार रहेगी। रहेगी, काम किया योगी जी ने? काम तो फिलहाल किए। अच्छा, आप बताओ, बता दो आप। योगी बाबा की सरकार आएगी। योगी बाबा कहाँ भागत रहो राजू अब तक? नहीं भाई, ये बताइए किसकी सरकार अब की बार 22 में? बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार जी। अच्छा, योगी ने काम हम नहीं किया? नहीं, योगी जी के उसमें काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि उसमें काम नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे इधर का रोड देखेंगे तो आप कई साल से नहीं बन रहा है। कई साल से नहीं जी। तो यही सब कमियां है थोड़ा बहुत। अच्छा तो ठीक है, कमियां है तो परिवर्तन में कौन सा चेहरा पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव आप बोले पहले। नहीं नहीं, अखिलेश यादव तो ठीक है, लेकिन योगी जी भी ठीक है। योगी जी हाँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से अखिलेश को ही आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए। अच्छा, अखिलेश पे भरोसा है कि रोड बन जाएगा उनके सरकार में? नहीं नहीं, वो भरोसा तो सबके पे रहता है। अच्छा अच्छा हाँ जी भैया, बोले बताइए। अपने को तो योगी साहब पे भरोसा है। योगी साहब पे भरोसा है बिल्कुल एकदम। काम किए हैं योगी जी? बहुत काम किए हैं। हाँ। कितना काम लेंगे? देखिए कह रहे हैं रोड नहीं बनवा, यही देख लीजिए बगल उनके में। उनके तरफ नहीं बना होगा, अपने यहाँ बना है, अपने तरफ बना है। हाँ। ये योगी जी के काम काज से खुश हैं आप? सब खुश है हुए। अरे सब का अपन बतावा, ये तो बहुत ज्यादा खुश लगत है नो भागत है। हाँ भाई जी, बताइए आप इन 5 सालों में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ है? हाँ। तो फिर से योगी जी या परिवर्तन? नहीं नहीं, फिर से योगी जी। फिर से योगी? हाँ, अपना तो भाई वही है, फिर से योगी। फिर से योगी जी? हाँ। अच्छा, आप बताइए। हाँ, सही बोल रहे हैं वो। अरे तो सही बोल रहे हैं आप, बताइए। हाँ, योगी जी। योगी जी? हाँ। अच्छा, और क्या बोलो भैया, बोलिए योगी जी या परिवर्तन? नहीं, योगी जी, हम लोग योगी जी के काम से बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत विकास। काम उनका अच्छा लगा अभी बता दीजिए? हर काम उनका अच्छा लगा। योगी जी काम काज से खुश हुआ? हाँ, एकदम खुश आई। तो फिर से योगी कोटवा दिल जाइए? हाँ, योगी जी के काम काज से खुश है ना आप? हाँ, मजाक कर दो बोल रहा। हर कोनो काम मजाक तो ना करा था, हम काम ही है बका करी बताओ। अच्छा ठीक बा, ये बताओ 2022 में चुनाव हो फिर क्या मूड बनत हो? क्या मूड बन रहा है उसमें? सरकार योगी जी की बनेगी और क्या? योगी जी की तो कहाँ है, अभी आप कर थे मजाक करत हो, हम समझ ना पाओ थे। योगी जी के चलो ये देख लीजिए, कमल का झंडा लगा हुआ है योगी जी कहाँ है। अच्छा भैया जाइए जाइए, अगर जिसको जाना हो ये देख लीजिए, इससे तो लग ही रहा है कि भैया भाजपा के समर्थक हैं जी। बताइए क्या लग रहा है भाजपा की सरकार? भाजपा के साथ फिर से साथ बनेगी सरकार? फिर से बनेगी सरकार? हाँ, बनेगी फिर सरकार। कुछ लोग तो नाराज कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे बेरोजगारी, कोरोना का काल 2 साल तो चला, बेरोजगारी नहीं रहेगी। अच्छा, तो उसके पहले 3 साल? उससे पहले वो सेट करने में लगता अपन 70 साल से परेशान था पूरा भारत। अच्छा 70 साल से परेशान, अब कितना समय चाहिए बीजेपी को? अरे 5 साल के बाद आ जाएगी, सेट कर देंगे। बस 5 साल और तो सेट कर देंगे एकदम। 70 साल को कवर कर देंगे? 70 साल कवर कर देंगे। हमारा काम होता है भाई इसमें, और हर सरकार में चोरी चंडाली। यहाँ पर कभी काम करने जाते हैं तो उसी लागे तुरंत हो जाता है, ना उसमें घुस दो, हर जगह 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 घुस दो, इसमें कोई घुस उस नहीं है। अच्छा, इसमें घुस उस नहीं चल, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक बार फोन करो, नहीं काम होता है, हर जगह हेल्पलाइन नंबर है, आप फोन करिए तुरंत आपका काम हो जाता है। और हर सरकार में फोन करो कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, नहीं सुनता कोई नहीं, नहीं। इस सरकार में सब सुनवाई हो रहा, काम हो रहा है। हम लोगों को का रिपोर्ट दिया गया है, ऑर्डर देने के बाद हम लोगों के दादा की ठोकरें, हम लोग की कोई भी थाना हो, सचिवालय हो, कहीं भी हो, किसी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। और अखिलेश वोट मांग रहे हैं मुसलमान का, कल यही अखिलेश मुसलमान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर दंगा हुआ तो उन्हीं की सरकार में, 2012 में जब उनकी सरकार बनी, एक ही साल बाद मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ, और अखिलेश यादव उस पर कुछ नहीं बोले। आदम खान जेल में, उस पर कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुसलमानों को वोट चुनने चाहिए। मगर मुसलमान
किसी को नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ MIM को, OIC को। जी जी OIC को। हम क्या लगता है OIC की सरकार बन जाएगी? सरकार बने या ना बने, एक सीट, दो सीट, चार सीट, पांच सीट, जितनी भी सीट निकलेगी हमारी, हम खुश हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर हमारी सीट निकलती है तो हम सरकार में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मजबूर हो कि उन्हें सीट हमें देना पड़ेगा, तो हिस्सेदारी देने पड़ेगी, मंत्री पद देना पड़ेगा। अगर मुसलमान ये नहीं समझेंगे तो हमेशा दबाए कुचले मारे काटे जाएंगे। इसीलिए मैं मुसलमानों से निवेदन करता हूँ कि MIM के साथ आएँ, MIM को सपोर्ट करें, अपने कौम की एक जमात बनाएं। उलमा कौंसिल है, पीस पार्टी है, हम पार्टी, सब हमारी पार्टी है, मगर इस समय उभरती हुई पार्टी जो है MIM है। MIM का अगर साथ नहीं दोगे तो दब जाएगी और दबे हुए लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चाचा जी बोलिए, भैया बोलिए, आप बोलिए, किसकी सरकार 2022 में, किसकी सरकार? योगी की सरकार है। योगी की? हाँ। अच्छा दादी, ये चाची राशन ओसन मिलत होगी ना? ये मिलत है। तो आपकी वोटवा के देव, योगी के या फिर के हुआ और के? मोदी के। मोदी के कहा राशन जो देते हैं वह बदे की और कोनो बात ना ही वो बदे दाद काम और कैले हमें योगी जी काहे काम करे हैं। अच्छा खुश हो एक मतलब योगी जी से? हाँ खुश। भैया बोले, भाई साहब बताइए, योगी जी के कामकाज से आप खुश हैं? अरे भैया जी क्या बोले बताइए, यही तो पूछ रहे हैं, योगी जी के जो इन 5 सालों में उन्होंने काम किया, उस कामकाज से आप खुश हैं? हाँ ठीक ही काम किया, बढ़िया बढ़िया काम है। हाँ। तो 22 में परिवर्तन या फिर से योगी जी? अब जैसा देश वैसा भेद भाई, जिधर सब जाएंगे उधर ही जाएंगे। आपका क्या इरादा बन रहा है कुछ? अरे हमारे इरादे से क्या होता है भाई, हम आपका इरादा पूछ रहे हैं ना, बाकी तो हम सबसे पूछेंगे भाई। विकास को वोट देंगे बस, विकास को। दोस्तों अभी हम इस समय मौजूद हैं सराय मीर बाजार में, जो निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है, और ये हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये जो OIC जी हैं ये बात करते हैं मुसलमानों की, और ये कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, लोग कहते हैं कि हमारा नेता मिल गया है, अब हम वोट करेंगे OIC जी को, ना कि किसी और को। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।